Vande Mataram, all of you. Today we learn how to convert singular noun into plural noun. ठीक है, noun के बारे में तो हम सबको पता है ना, name, place, thing, animal. Okay? तो singular noun क्या होता है? जो कोई एक है ना, एक चीज है ना, कोई एक होता है तो हम उसको बोलते हैं singular. और दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो हम उसे plural बोलते हैं, है ना. तो अभी इसके रूल्स हम सीख लेते हैं कि अगर हमें सिंगुलर दिया हुआ है और उसको हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से रूल होते हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल है, मोस्ट सिंगुलर नाउन फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस. ठीक है, मोस्ट मतलब बहुत से सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगाने से ही वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके पीछे एस लगाने से ही वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो आप भी अच्छे से देखिए. ठीक है, बी ओ ए टी, बोट है ना, बोट एक बोट होगी. ये सारे सिंगुलर है, ठीक है, और ये सारे प्लूरल है. सिंगुलर को किस में कन्वर्ट कर दिया है? प्लूरल में. एक बोट होगी तो बोट बोलेंगे, और बहुत सारी दो या दो से ज़्यादा बोट होगी तो हम क्या बोलेंगे? बोट्स. तो हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ पर? ऑनली एस ऐड कर दिया, है ना. जैसे हाउस, हाउस सिंगुलर, प्लूरल में क्या हो जाएगा? हाउसेस. कैट, कैट्स. रिवर, रिवर्स. ओके, अंडरस्टैंड. और जो हमारा सेकेंड रूल है वो अब पढ़ते हैं हम. ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, ओ, सी एच, एस एच, मेक द प्लूरल बाय एडिंग ई एस. ओके, ये सेकेंड रूल हमें क्या बता रहा है? ओके, सेकेंड रूल हमें क्या बता रहा है कि अगर किसी वर्ड के पीछे, है ना, किसी नाउन के पीछे, सिंगुलर नाउन के पीछे एस आता है, X आता है, या Z आता है, O आता है, CH आता है, या फिर SH आता है ना, इनमें से कोई भी एक लेटर आता है, ठीक है, ये देखिए SH, CH है ना, ऐसे आता है, तो आपको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ में क्या पुट करना पड़ेगा? ES. क्या पुट करना पड़ेगा? ES. चलो हम इसके भी थोड़े एग्जांपल कर लेते हैं. ठीक है, सिंगुलर वन बस, बस. ओके, कन्वर्ट करना है तो देखो पीछे क्या आ रहा है? एस आ रहा है. एस आता है तो उसका क्या करना है हमको? ई एस ऐड कर देना है ना, प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया बसेस. ओके, विश, विशेस. पीच, पीचेस. बॉक्स, बॉक्सेस. पोटेटो, पोटेटोस. समझ में आया? यहाँ पे एंड में ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, और एस आ रहा है. ओके, आपको इस तरीके से ये करना रहेगा. ओके, कम टू द नेक्स्ट रूल. ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट एंड देन वाई, मेक द प्लूरल बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग आई ई एस. ओके, कि कोई भी सिंगुलर नाउन है अगर वो कॉन्सोनेंट है ना, वॉवल्स कितने होते हैं हम सबको पता है ना, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना इंग्लिश में, तो उसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, और बाकी जो सारे लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. कोई सिंगुलर नाउन जिसके पीछे लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे वाई आता है तो हमें वाई को ड्रॉप कर देना है, मतलब कट कर देना है, और उसकी जगह पे आई ई एस लगा देना है. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, पेनी लिखा हुआ था, एंडिंग वाई से हो रही है, पर उसके आगे क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, इसलिए हम क्या बना देंगे इसका? पेनीस. वाई को मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है और वाई की जगह पे मैंने आई ई एस लगा दिया है, तो क्या बन जाएगा? प्लूरल में जाएगा पेनी का, क्या हो जाएगा? पेनीज. स्पाई का, स्पाइस. बेबी का, बेबीज. सिटी का, सिटीज. पता है ना, देखो टी भी है ना कॉन्सोनेंट होता है, बी भी कॉन्सोनेंट होता है, पी भी कॉन्सोनेंट होता है, और एस भी कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के आगे वाई है ना लास्ट में, इसलिए हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? वाई को ड्रॉप कर देंगे, मतलब वाई को कट कर देंगे और आई ई एस लगा देंगे. अंडरस्टैंड?